चीजें छुपाना क्रिमिनल्स की आदत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस क्रिमिनल को बचाने जा रही हो? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, मैं अभी तक उसे गिरफ्तार कर चुका हूं। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आरती और प्रसाद नहीं लोगे बेटा? ये लो बेटा। परेशान लग रहे हो? वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। उलझन में उसने ही डाला है, तो वो ही तुम्हें उलझन से बाहर निकालेगा। ये धागा में बहुत शक्ति है, इस धागे को वहां बांध दो और सब कुछ उस पर छोड़ दो। यह अनन्या मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद ये लड़की ना मेरे घर पे आई और ना ही इसने मेरे किसी फोन का जवाब दिया। मगर घर देखकर लग रहा है कि लड़की बड़े घर की है। तो ये है अनन्या की माँ, पर ये तो उस दिन रिया के बर्थडे पार्टी में भी आई थी, तो पार्टी के फोटो में भी होगी वो। कौन? शाम, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ। क्या हुआ? अब घर पे भी रहती हो और अब सपनों में भी आने लग गई? मैं सोने जा रही हूँ। ओके, बाय। हेलो दीक्षा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? लगता है दवाई काम नहीं कर रही है, तुझे मेंटल हॉस्पिटल ही भेजना पड़ेगा। सॉरी माँ, वो चुप। तू सपने से बाहर निकल और जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। मुझे रिया के बर्थडे के सारे फोटोग्राफ्स अभी चाहिए, इसी वक्त।
मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे, लेकिन नील नील ने जो मांगा है उसे दे दो। और मेरी माँ भी तुम पर बहुत विश्वास करती है, प्लीज उसके विश्वास को मत तोड़ना। सोई नहीं अभी तक? तुम भी तो नहीं सोए अब तक। वैसे तो मुझे भगवान पे विश्वास करने वाली टाइप की लड़की दिखती तो नहीं हो। मेरा विश्वास तो कब का टूट चुका है, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनकी विश तो पूरी होनी चाहिए ना। पता है मेरी विश क्या है? तुम्हारी सच्चाई जानना। क्या कर लोगे सच्चाई जानकर? यकीन तो नहीं कर पाओगे? लाइक ऑलवेज, हमेशा की तरह बात को घुमा फिर आगे बोलना और कभी सच्चाई नहीं। मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। ये तो अभी की बात है, लेकिन तुम तो उस क्रिमिनल को तब से प्रोटेक्ट कर रही हो जब से वो एक्सीडेंट हुआ था। क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? कौन लगता है तुम्हारा वो? आखिर क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो तुम उसे? हाँ, अगर तुम मुझे पहले ही सच बता देती तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था और तुम्हारी मॉम कभी किडनैप ही नहीं होती। ये हो जाता, वो हो जाता, ये सब कहना बहुत आसान है नील। मैंने भी दुनिया देखी है, जब बुरा वक्त आता है तो कोई किसी की हेल्प नहीं करता। क्या अब तक मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारी हेल्प नहीं की? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम भी एक क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हो, मतलब तो तुम्हारा भी है ना। तुम्हारी मॉम की जान बचाना, क्या उसमें भी मेरा कोई मतलब है? सॉरी टू से अनन्या, पर शायद तुम किसी की हेल्प लेना ही नहीं चाहती। एक बार तुम्हें सच का पता चलेगा ना, फिर देखेंगे कितनी हेल्प करते हो तुम। मेरी ट्राई मी, जस्ट फॉर वंस ट्राई मी अनन्या, एक बार सच बोल के तो देखो। क्या हुआ, डर गई? ये विक्टिम बनना बंद करो अनन्या, प्लीज। सच बोलने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है। तुम तो बड़ी डरपोक निकली अनन्या, नॉट एक्सपेक्टेड। नाजायज पोती जिसे उसने मारने की कोशिश की थी, यहां गोली मारी थी उन्होंने।